हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा सरकारी जॉब से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं और 100% सही वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक खास खबर लेके आया है रेलवे ग्रुप डी से संबंधित, जो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया की वेबसाइट पर, और एक आज के अपडेट में एक न्यूज़पेपर में भी बताया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो एक ऑफिशियल जो नोटिस वायरल हो रहा है सोशल मीडिया की वेबसाइट पर, वह नोटिस क्या है, फेक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यार, जो पेपर न्यूज में बताया जा रहा है कि रेलवे में ग्रुप डी भर्ती सीबीटी प्रथम के लिए इस महीने में जारी हो सकती है तिथि। अभी तक दोस्तों जो अभी जारी नहीं हुई है कि कब से इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अजमेर से है, रेलवे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए होने वाली कंप्यूटर सीबीटी प्रथम चरण की जो तिथि इस महीने में घोषित की जा सकती है। इसके लिए अजमेर समेत देश भर में इस भर्ती परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब जारी करेगा, इसको लेकर कोई तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। माना जा रहा है कि इस महीने में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा तिथि जारी कर सकता है। तो दोस्तों, यही जो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज है और एक ऑफिशियल नोटिस भी वायरल हो रहा है, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया की वेबसाइट पर, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, सभी जो सोशल मीडिया की वेबसाइट है उस पर एक नोटिस जारी किया जा रहा है कि मार्च में जो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है। ठीक है, वहाँ पर डेट भी बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। आप किसी भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आरआरबी अहमदाबाद या आरआरबी कोलकाता या पटना, आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखिएगा तो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। वह जो नोटिस वायरल हो रहा है वह नोटिस अभी फेक है। तो चलिए, यहीं एक छोटा सा मैं वीडियो आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। यह वीडियो कैसा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं हमेशा आप सभी के साथ इस तरह इस चैनल के माध्यम से बना रहा हूँ। तो चलिए, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।